हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग 2020 एंड 50-50 सीरीज़ मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। लेक्चर 2 है ये हम लोगों का, और ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और 2020 एंड 50-50 सीरीज़ को एक्सेस करने के लिए आप synopsisis.in की वेबसाइट पर जा सकते हैं, और यहाँ से आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। एंड कोर्स को परचेज़ करने के लिए आप यहाँ पर synopsisis.in की वेबसाइट पर जा सकते हैं, और यहाँ पर आप स्पेशल कोर्सेज में जाओगे 2020-50-50 सीरीज़ आपको मिल जाएगी। है यू कैन फाइंड द सीरीज़, ठीक है, तो यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। और ये सीरीज़ है क्या, बेसिकली जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, हाई यील्डिंग टॉपिक्स रहते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जो हर साल UPSC रिपीट भी करता है क्वेश्चन जिसमें से, तो ये वाले टॉपिक्स सारे डिस्कस किए जाते हैं 2020-50-50 सीरीज़ में। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। तो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में हम ये समझते हैं कि मेजर डिफरेंस क्या था ब्रिटिश कॉलोनिस्ट जो थे इंडिया में आए थे उनमें, और उससे पहले ब्रिटिश कॉलोनिस्ट के आने से पहले के जो इन्वेडर्स थे उनमें और ब्रिटिश कॉलोनिस्ट में डिफरेंस क्या था। जो पहले आए थे इन्वेडर्स जिन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज़ करने की भी कोशिश की थी, उन सब ने इंडियन इकोनॉमी में कोई ऐसे कुछ खास स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं किए थे, या फिर उन्होंने इंडिया की वेल्थ को ड्रेन नहीं किया था। बट ब्रिटिश रूल के इंडिया में आने के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म ही हो गई थी। और कैसे ट्रांसफॉर्म हुई थी, इंडिया की जो आपकी इकोनॉमी थी वो ट्रांसफॉर्म होके ब्रिटिश की इकोनॉमी बन गई थी, मतलब कि कॉलोनियल इकोनॉमी बन गई थी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आया था जो कि एक बहुत मेजर चेंज था। तो इसमें क्या हुआ था, जो स्ट्रक्चर था, ऑपरेशन था इंडियन इकोनॉमी का, वो ब्रिटिश इकोनॉमी के हिसाब से डिटरमाइन किया जाता था कि अगर ब्रिटिश इकोनॉमी को नीड है, कि पैसों की नीड है, तो यहाँ पर वो इंडियन इकोनॉमी को जाके एक्सप्लॉइट कर देंगे कभी भी जाके। तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो गई थी ब्रिटिश इकोनॉमी के हिसाब से। तो हिस्टोरियंस जो हैं वो कहते हैं कि जब 18 सेंचुरी की बिगनिंग थी तब इंडिया के पास कम से कम भी पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी का 23% था, बट आज़ादी जब तक हमने पाई है तब उसके बाद आते आते आज़ादी तक आते आते हमारे पास सिर्फ 3% ही रह गया था। मतलब इतना ज़्यादा ड्रेन ऑफ वेल्थ हुई थी। आगे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी पढ़ेंगे हम दादा भाई नौरू जी की। तो इसमें क्या था कि ब्रिटिश का जो एम था वो बेसिकली बाकी इन्वेडर से ऐसे डिफरेंट था कि ब्रिटिश का एम था कि वो पूरी पूरी इंडिया की वेल्थ को ही ड्रेन कर ले जाएं, ठीक है, तो ये उनका एम था। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो बेसिकली क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहता है ब्रिटिश रूल का, वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट इसमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है कि हम बेसिक चीज़ ये पढ़ेंगे कि कैसे आर्टिसंस जो होते हैं और हैंडीक्राफ्ट्समैन जो हमारे होते हैं उनका कैसे रुइन हो जाता है सारी चीज़ें, उनका जो ट्रेड है, उनका जो मार्केट है, सब कुछ ख़राब कैसे कर देते हैं ब्रिटिश। तो एक वन वे फ्री ट्रेड ये चलता है। अब होता क्या है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, तो वहाँ पर जो सस्ता और मशीन से बने हुए जो गुड्स होते हैं वो सारे इंडियन मार्केट में ये लोग इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जितना भी चीप और मशीन मेड गुड्स हो गए आपके, वो सारा ये लोग इंपोर्ट करते हैं कहाँ पर, इंडिया में। अब हुआ क्या, ये कहाँ से, ये हुआ था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के थ्रू ये हुआ था। तो इससे क्या हो गया था, वन वे फ्री ट्रेड चल गया था के ब्रिटिश रेजिडेंस के लिए। अब इसमें क्या कि इंडिया में खाली इंपोर्ट ही हो रही हैं चीज़ें, एक्सपोर्ट होने तो बहुत कम ही हो गई थी क्योंकि सारी चीज़ें ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं होंगी तो इंडिया की इकोनॉमी कहाँ जाएगी, नीचे चली जाएगी। और जब इंपोर्ट कहाँ से हो रही हैं, ब्रिटिश से हो रही हैं, तो ब्रिटिश की इकोनॉमी कहाँ जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो ये क्या हो गया, इंडिया से पूरी वेल्थ जो है जाती जाती है ब्रिटिश के पास चली जा रही है। तो अब हो क्या रहा था कि दूसरी तरफ इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था कि वो यूरोपियन मार्केट्स में जाएं, क्योंकि एक तो एक्सपोर्ट नहीं हो रहे थे और उनके इंडिया के प्रोडक्ट्स काफ़ी थोड़े से कंपैरेटिवली महंगे भी थे। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश के मशीन मेड गुड्स थे इसलिए वो सस्ते भी थे। अब टैरिफ जो है वो इंडियन टेक्सटाइल पे बहुत ज़्यादा इम्पोज कर दिया गया था, अराउंड 80% टैरिफ जो है वो इंडियन टेक्सटाइल पर इम्पोज कर दिया गया था, 80% टैरिफ
इम्पोज कर दिया गया था, तो उसकी वजह से क्या हो गया, मतलब 80% टैरिफ इम्पोज किया, तो इसका मतलब कितने ज़्यादा महंगे हो गए होंगे इंडिया के गुड्स। तो इंडियन क्लॉथ जो है, इंडिया का कपड़ा बहुत महंगा हो गया था और अब वो सस्ता और नहीं रहा था। तो 1820 के बाद जो है यूरोपियन मार्केट्स, आप कह सकते हो कि इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए तो बिल्कुल करीब करीब बंद ही हो गई थी, मतलब इंडिया से चीज़ें एक्सपोर्ट होना ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था। अब जो सस्ते ब्रिटिश के जो क्लोथ थे वो इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलने लगे थे। फिर नया जो आपका रेलवे नेटवर्क इस्टेब्लिश हुआ था, उसने यूरोपियन प्रोडक्ट्स को पूरी इंडिया में, कंट्री में, जगह जगह और ज़्यादा फैला दिया था। तो रेल ने कनेक्ट किया, बेसिकली रेलवेज ने पूरे इंडिया में यूरोपियन गुड्स को फैला दिया, पूरा स्प्रेड ऑफ इंडिया यूरोपियन गुड्स हो गए, जिसकी वजह से इंडिया की मार्केट जो है वो और ज़्यादा नीचे चली गई। अब इंडिया जो है वो बेसिकली एक नेट एक्सपोर्टर से एक नेट इम्पोर्टर बन गया, एक्सपोर्टर तो अब रहा ही नहीं इंडिया, इम्पोर्टर बन गया था। ठीक है, तो मेन चीज़ एक तो ये हुई। फिर मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी कोई स्टेप नहीं लिया गया, क्यों, क्योंकि जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड होता था उसमें अब उसके साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो चल नहीं पाया। ठीक है, फिर साथ में अब ये सब चीज़ों से क्या हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा इंडिया का। और कब होने लगा, जब यूरोप जो है वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा था। तो ये तब हुआ था जब इंडियन आर्टिसंस और इंडियन क्राफ्ट्समैन जो थे वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस में थे, और उनका जो पेट्रोनेज है प्रिंसेस के द्वारा वो भी जारी थी। ठीक है, जो प्रिंसेस की जो पेट्रोनेज थी वो भी जारी थी। तो बेसिकली उनका लाइवलीहुड, उनका कल्चर जो है वो सब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा दब रहा था। ठीक है, तो अब जो है जितने भी इंडियन क्राफ्ट्समैन थे, जो आर्टिसंस थे, वो नए जो वेस्टर्न टेस्ट थे, जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं उनके अंडर आ गए थे। तो अब इंडिया के क्राफ्ट्समैन और आर्टिसंस को भी वेस्टर्न वैल्यूज़ के हिसाब से चलना पड़ रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा वेस्टर्न वैल्यूज़ और वेस्टर्न जो गुड्स थे वो इतने फैल गए थे इंडिया में। फिर रूरलाइजेशन की अगर हम बात करें, तो दूसरा जो फीचर रहता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो था कि बहुत सारे जो सिटीज़ थे वो डिक्लाइन होने लगी थी, और एक रूरलाइजेशन का प्रोसेस चल गया था इंडिया में। बहुत सारे जो आर्टिसंस थे उन्होंने काफ़ी, उनके रिटर्न्स जो हैं काफ़ी डिमिनिश हो गए थे, रिप्रेसिव पॉलिसीज़ उन्होंने काफ़ी फेस की थी। ठीक है, कि जैसे बंगाल में जब कंपनी रूल चल रहा था तो आर्टिसंस को बहुत ही कम वेज पर रखा जाता था, काफ़ी कम पैसे पे किए जाते थे, और उनको मजबूर कर दिया जाता था कि वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत कम प्राइस पर बेचें, जिसकी वजह से उनके प्रोफेशंस उनको छोड़ने पड़ गए थे, वो विलेज की तरफ जाने लग गए थे, और एग्रीकल्चर उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लैंड पर भी प्रेशर पड़ने लगा था, जब सारे लोग एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देंगे लैंड पर प्रेशर पड़ने लगा। ठीक है, इसकी वजह से अब क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो भी बहुत ओवरबर्डन हो गया था, और यही एक रीज़न था कि ब्रिटिश रूल के दौरान हमें पॉवर्टी देखनी पड़ गई थी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न रहता है, और जिसकी वजह से पूरा जो विलेज इकोनॉमिक सेटअप है सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एक विलेज इकॉनमी जो है वो इस टाइम पर ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाती है। आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज़ के आने से कनेक्टिविटी और बढ़ जाती है, तो और ज़्यादा ये ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जो है वो भी देखा जाता है इसमें। अब इससे क्या होता है, जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको तो एश्योर्ड गारंटीड रिटर्न्स मिलते ही हैं। ठीक है, वो उनके लिए तो फ़ायदा होता है, बट इसमें क्या हुआ, रीजनल इनइक्वालिटी भी ये प्रमोट कर रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज़। साथ में अभी आपको मैंने मेंशन किया भी कि रेलवेज़ के आने से इंडियन आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट्समैन को कितना ज़्यादा, मतलब प्रॉब्लम हुई थी कि इंडियन आर्टिसंस वगैरह कितना प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। ठीक है, रूरलाइजेशन इंडिया में इंक्रीज़ हुआ था, जिसमें एग्रीकल्चर को बहुत ही ओवरबर्डन हो गया था एग्रीकल्चर। अब है न्यू ज़मींदारी सिस्टम निकल करके आया था, जिसमें पेजेंट्स जो है उनको बहुत सफ़र करना पड़ा था, एग्रीकल्चर का बहुत डिटीरियोरेशन हो गया था, स्टैग्नेशन पर आ गया था। बेसिकली क्या हुआ था कि गवर्नमेंट जो थी उनको सिर्फ इस बात से मतलब था कि भाई हम जो है अपने रेंट बढ़ाते रहेंगे और अपना रेवेन्यू लेते रहेंगे, तो रेंट बढ़ना चाहिए, रेवेन्यू आना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता था और उनको किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं था। अब ये करने के लिए उन्होंने लेकर के आया परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम।
ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा इंडिया के बहुत ज़्यादा पार्ट्स में ये फैल गया था। तो अब क्या हुआ कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का एक फीचर ये भी था, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ लैंड। ठीक है, लैंड को ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ लैंड एक फ़ीचर था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का, जिसकी वजह से टेनेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी लगी रहती थी। क्यों? क्योंकि उनके जो लैंड के जो ट्रेडिशनल राइट्स थे वो तो जा ही चुके थे। तो इसी वजह से अब जो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्पेंडिंग की जाती थी लैंड की प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, वो भी बिल्कुल निल थी। कोई ऐसी कोई स्पेंडिंग जो है वो ज़्यादा कुछ करी नहीं जा रही थी गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब ज़मींदार के पास क्या हो गया कि ज़मींदार के पास बहुत पावर होती थी, जिसकी वजह से ज़मींदार ने समरी एविक्शंस करने स्टार्ट कर दिए। ज़मींदार ने इलीगल ड्यूज मांगने स्टार्ट कर दिए कि भाई इतने पैसे दो, ये दो, वो दो, फिर बेगार स्टार्ट कर दिया लेना, ताकि उसका जो शेयर है उस प्रोड्यूस में वो बढ़ा रहे। तो ये सब चीज़ें ज़मींदार कर रहे थे, ठीक है, फॉर देयर शेयर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ज़मींदार कर रहे थे। अब हुआ क्या कि पेजेंट जो है इसकी वजह से ओवरबर्डन हो गए। क्यों? क्योंकि पेजेंट्स के पास जो है वो हर तरफ से दबाव हो रहा था। तो अब इतना ज़्यादा ओवरबर्डन होने के बाद पेजेंट्स गए मनी लेंडर्स के पास कि भाई हमारे पास अब पैसे नहीं बचे हैं देने के लिए ज़मींदार को, तो आप हमें पैसे दे दो ताकि हम ज़मींदार को उनका ये इलीगल जो ड्यूज़ हैं वो हम ज़मींदार को पे कर दें। तो ये एक प्रोसेस चल पड़ा था। ठीक है, ज़मींदार के पास देखो कुछ खास पैसे भी नहीं थे, जो आपके पेजेंट्स थे उनके पास कुछ खास पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी लैंड को इम्प्रूव कर पाएँ। तो अब लैंड को इम्प्रूव भी करना था, ये ज़मींदार को ड्यूज़ भी पे करने थे, तो इस वजह से पेजेंट जो है वो मनी लेंडर के पास चले गए कि आप हमें पैसे दो, हम ये पैसे जो है वो ज़मींदार को अपना पे करके और अपना काम करते रहेंगे। तो मनी लेंडर जो था, अब मनी लेंडर भी चालू था। मनी लेंडर जो है वो कौन होते थे? जो विलेज के जो ग्रेन मर्चेंट होते थे वो होते थे। तो वो क्या करते थे, फार्मर्स को फोर्स करते थे कि वो अपना जो प्रोड्यूस है वो बहुत ही कम दाम में बेच दें और कम पैसों में बेच के अपनी ड्यूज़ जो है वो क्लियर कर दें। तो मनी लेंडर भी ये तेज़ था बहुत, और फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करने लगा। तो ये जो पावरफुल मनी लेंडर था, अब वो जुडिशरी और लॉ को भी मैनिपुलेट करता था, क्योंकि उसमें भी उसकी बहुत चलती थी क्योंकि पावरफुल था। तो जुडिशरी और लॉ को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेता था। तो ये पेजेंट जो था वो बेसिकली अल्टीमेट सफरर बन गया था। इसी वजह से यहाँ पर ट्रिपल बर्डन वर्ड यूज़ किया गया है। अब समझ में आया क्यों? क्योंकि उसको तीन तरीके से बर्डन आ रहा था। एक तो पेजेंट को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बर्डन था, फिर दूसरी तरफ ज़मींदार की वजह से बहुत बर्डन था, फिर तीसरी तरफ मनी लेंडर की तरफ से बहुत बर्डन था। तो पेजेंट तो बेचारा दब ही गया था सब चीज़ों में। तो उसकी हार्डशिप जो थी वो पेजेंट, फिर जब फेमीन आई हार्डशिप और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, या फिर स्कार्सिटी के टाइम पर बहुत ज़्यादा हार्डशिप पेजेंट्स की इंक्रीज़ हो गई। और ये ज़्यादातर ज़मींदारी एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा देखा गया था। एंड रेतवारी महालवारी सिस्टम जहाँ पर चल रहे थे वहाँ पर बहुत देखा गया था ये। तो पेजेंट जो है ऑल इन ऑल लैंडलेस हो गए थे बिल्कुल, उनके पास अब कोई लैंड नहीं बची थी। उसके बाद ये इंटरमीडियरीज का एमर्जेंस होता है, ये जो एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म होता है, और ओल्ड ज़मींदार जो है उनका रियूम, ये सब स्टार्ट हो गया था। एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, FDI आ गई थी, जिसकी वजह से भी पेजेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। अब ये जो कमर्शलाइजेशन था एग्रीकल्चर का, ये था क्या बेसिकली? तो हो क्या रहा था कि एग्रीकल्चर जो था वो पहले के टाइम पर एक वे ऑफ लाइफ बन गया था कि हम लोग जो भी ग्रो कर रहे हैं अपनी लोकल मार्केट में जाके बेच देंगे और हम लोगों को जो भी रेवेन्यू मिलेगा उससे हमारा घर चल जाएगा, ठीक है, इतना था। बट विद टाइम क्या होने लगा, एग्रीकल्चर को एक बिज़नेस एंटरप्राइज बना दिया गया, और अब एग्रीकल्चर को एक बिज़नेस एंटरप्राइज की तरह ही देखा जा रहा था। बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स भी ग्रो की जाने लगी जो कि शायद लोकली लोग पसंद नहीं करते या लोकली लोग यूज़ नहीं करते, बट
फॉरेन मार्केट्स में वो ऐसी क्रॉप्स जो हैं वो काफ़ी डिमांड में रहती हैं, काफ़ी चलती हैं और बिज़नेस के लिए अच्छी होती हैं, इस वजह से एग्रीकल्चर में वो क्रॉप जो है वो ग्रो की जाने लगी। तो इस तरीके की चीज़ें हो गई थी। अब एग्रीकल्चर जो है वो कमर्शियल कंसिड्रेशन के बेसिस पे बेसिकली चलने लगा था, कमर्शियल कंसिड्रेशन से इन्फ्लुएंस था। कुछ ऐसी स्पेशलाइज जो क्रॉप्स थी जो कि विलेज के कंजम्पशन के लिए नहीं बनती थी बल्कि नेशनल इवन इंटरनेशनल मार्केट्स के सेल के लिए बनती थी, तो वो क्रॉप्स थी जैसे कि कॉटन है, ठीक है, कॉटन, जूट एंड ग्राउंडनट, देन ऑयल सीड्स एंड शुगर केन एंड टोबैको। ये सारी कुछ क्रॉप्स थी जो कि बहुत ज़्यादा रेम्यूनरेटिव थी, मतलब काफ़ी पैसे आते थे इससे। और फूड ग्रेन से ऑल्दो इतने पैसे नहीं आते थे, बट ये सारी क्रॉप्स ऐसी थी जो कि बहुत ज़्यादा कमर्शियली अच्छी थी लोगों के लिए। तो इसी वजह से जो कल्टीवेशन था क्रॉप्स का, जैसे कि कॉन्डिमेंट्स हो गए, जैसे स्पाइसेस हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये जो था वो ज़्यादा बड़ी मार्केट को केटर कर देते थे। बहुत बड़ी मार्केट जो है वो ये सब चीज़ें यूज़ कर लेता था। तो इसी वजह से जो कमर्शलाइजेशन का जो ट्रेंड है वो अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट में चला गया था प्लांटेशन सेक्टर में। ये अब टी हो गया आपका प्लांटेशन सेक्टर, ये सारा टी, कॉफ़ी, रबर, इंडिगो, ये सारा जो है वो ज़्यादातर यूरोपियंस के द्वारा ओन किया जाता था। और ये जो प्रोड्यूस था वो एक बहुत बड़ी मार्केट में सेल के लिए काफ़ी काम आता था। तो इस वजह से ये सब चीज़ें जो हैं वो ग्रो की जाने लगी। अब इंडियन पेजेंट के लिए अगर देखा जाए तो कमर्शलाइजेशन जो है वो एक फोर्स्ड प्रोसेस था, मतलब उनके यहाँ कोई ये चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा था बट फोर्सफुली उनको यूज़ करनी पड़ रही थी। तो उनके पास हार्डली कोई सरप्लस बचा था कि जो वो कमर्शियल क्रॉप्स में इन्वेस्ट कर दें, और जो भी उनके पास जो सब्सिस्टेंस लेवल था जहाँ जिसमें इंडियन पेजेंट्स जी रहे थे, तो कमर्शियलाइजेशन जो है वो बेसिकली इंडियन एग्रीकल्चर से लिंक थी, इंटरनेशनल मार्केट को लिंक करती थी इंडियन एग्रीकल्चर को। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से लिंक करोगे तो कैसे करोगे, एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन करके, ठीक है। तो अब क्या हुआ था कि उसमें भी काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखी गई थी, जैसे कि आपका कुछ आपके कॉटन था, जैसे कॉटन जो है वो 1860s में उसके प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए थे, और इसकी वजह से जो इंटरमीडियरीज थे उनको काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ था, क्योंकि कॉटन उन्होंने ग्रो किया, कॉटन क्राइसिस, कॉटन के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए, तो इंटरमीडियरीज को इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। फिर जो गिरावट आई इनके प्राइसेस में वो आई थी 1866 में, जिसमें क्या हुआ था कि कल्टीवेटर्स को ये काफ़ी हिट किया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनडेप्थनेस देखी गई थी, फेमीन आ गया था, एग्रेरियन रायट्स हो गए थे डेकन में 1870s में, तो लोगों में काफ़ी इनडेप्थनेस आ गई थी और कॉटन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो गई थी। डेकन में ज़्यादा कॉटन ग्रो किया जाता है इस वजह से। अब ये जो कल्टीवेटर था वो हार्डली कुछ बेटरमेंट कर पाया था ये नए कमर्शलाइज्ड ट्रेंड से, तो ये कॉटन प्रोडक्शन का इशू भी आ गया था। तो कॉटन प्रोडक्शन जो है बेसिकली सिविल वॉर ऑफ 1861 के बाद से अमेरिका में काफ़ी डिक्रीज़ हो गई थी सिविल वॉर की वजह से, इसीलिए ब्रिटिश ने उसका प्रोडक्शन इंडिया में ही एनकरेज किया था, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इनको आई थी। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो अब क्या था कि जो आपकी इंडियन इंडस्ट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी, और टेक्सटाइल का जो कंपटीशन था इंडिया में उसका भी डिस्ट्रक्शन हो गया था, जिसकी वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा गया था। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इंडियन टेक्सटाइल को पाउंड में पे करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो है वो उसी रेवेन्यू से पे करेंगे जो कि बंगाल गेन कर रहा है। मतलब कि पहले ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, पहले वो लोग इंडिया को पाउंड्स में पे कर रहे थे, अब उन्होंने कहा जो भी हम बंगाल से अर्न करेंगे, ठीक है, वही हम आगे पे कर देंगे, ठीक है, जो भी रेवेन्यू हम गेन कर रहे हैं वो हम आगे पे कर देंगे, बट उसको भी हम बहुत लो रेट पर पे करेंगे, जिसकी वजह से पेजेंट्स का और ज़्यादा इम्पावरिश्ड हो गए, पेजेंट्स और ज़्यादा गरीबी में आ गए थे इसकी वजह से। अब क्या हुआ, एक बहुत अच्छा शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री चल रही थी उस टाइम पर वो भी क्रश हो गई थी, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी क्रश हो गई थी।
ठीक है, और साथ में जो आपका सूरत थे और मालाबार थे, वेस्टर्न कोस्ट की साइड पर हैं ये, सूरत एंड मालाबार ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, और आपका जो बंगाल एंड मसूलीपट्टनम है ईस्टर्न कोस्ट पर, बंगाल एंड मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश ऑन दी ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो ये जो थे ये अपने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए ही जाने जाते थे, दोनों चीज़ें ये अपनी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए काफ़ी जाने जाते थे। तो ब्रिटिश शिप्स जो हैं उन्होंने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, जो कि मर्चेंट बेसिकली क्या हुआ था कि ब्रिटिश शिप्स जो हैं उन्होंने कंपनी के द्वारा उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तो उनको ये मोनोपोली दी गई थी कि ये वाले जो ट्रेड रूट्स हैं, जो कुछ आपके ट्रेड रूट्स थे उन पे मोनोपोली उनको दी गई थी कि ये वाले ट्रेड रूट से आप जा सकते हो, यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। जबकि जो कि इंडियन मर्चेंट शिप थी उनको ये कहा गया था कि यही ट्रेड रूट से, इंडिया के खुद के ट्रेड रूट से जाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटीज़ लगाई जाती थी। मतलब कि अगर ट्रेड के लिए ब्रिटिशर्स की शिप जा रही है इन ट्रेड रूट से तब तो कुछ नहीं, तब तो आप आराम से जा सकते हो, बट अगर इंडिया के प्रोडक्ट्स जा रहे हैं ये इंडिया के ही ट्रेड रूट से, तो उन पर बहुत हैवी ड्यूटीज़ लगाई जाने लगी थी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, 1813 में एक लॉ लाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जिन्होंने कुछ शिप्स को प्रोहिबिट किया था कि इंडिया और ब्रिटेन के बीच में 350 टन से कम की शिप्स जो है वो नहीं जाएंगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बंगाल की जो शिप्स बनाई गई थी उनको, उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ गया था, जो कि आपका इंडो ब्रिटिश ट्रेड रूट्स पर जितनी भी बंगाल बिल्ड शिप्स थी उनको काफ़ी अच्छा खासा कमीशन पे करना पड़ता था। 1814 में एक और लॉ पास किया गया जहाँ पर इंडियन बिल्ड शिप्स जो है उनको कंसिडर भी नहीं किया गया था, तो सिर्फ ब्रिटिश रजिस्टर्ड वेसल्स जो हैं वही अमेरिका से और यूरोपियन कॉन्टिनेंट से ट्रेड कर सकते थे, इंडियन बिल्ड शिप्स ट्रेड ही नहीं कर सकती। तो इसकी वजह से इंडिया की जो शिपिंग इंडस्ट्री थी उसको भी दबा दिया गया और डिक्लाइन कर दिया गया था, ठीक है। तो इंडिया की शिप इंडस्ट्री भी ऐसे कर करके ख़त्म होने लगी थी, तो ये चीज़ देखी गई थी। तो बेसिकली क्या था कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को अब ब्रिटिश इंटरेस्ट की तरफ ही प्रमोट किया जाने लगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है, स्टील इंडस्ट्री। ब्रिटिश जो है वो इंडिया की जो स्टील इंडस्ट्री है उसको ग्रो नहीं करने देना चाहती थी। इंडस्ट्रीज़ कुछ आई थी, जैसे टाटाज आए थे, उन्होंने स्टील जो है वो ग्रो करना स्टार्ट किया था, उनको काफ़ी प्रॉब्लम में पड़ गए थे वो लोग, क्योंकि उनको परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी और उनको परमिशन जो है रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी। उन्होंने कहा था कि बेसिकली एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ स्टील बनानी पड़ेगी उनको ब्रिटिश यूज़ के लिए, तो ये फर्म्स जो है वो लोअर स्टैंडर्ड ऑफ स्टील जो है वो नहीं बना पा रही थी उसी टाइम पर, तो उनको जो है बेसिकली जो बड़ा मार्केट था उससे तो वो लेफ्ट आउट हो गई थी। उन्होंने कहा कि हमें एक लोअर क्वालिटी की स्टील जो है वो चाहिए। अब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो है ब्रिटेन के द्वारा लगाई गई थी इंडियन स्टील इम्पोर्ट्स पर, तो ये स्टील जो है वो सिर्फ इंडिया में ही यूज़ हो सकता था, ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, तो स्टील का एक्सपोर्ट जो है वो भी ख़त्म हो गया था। तो इसीलिए जो इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री थी उसकी ग्रोथ को भी काफ़ी हैम्पर कर दिया गया था। यहाँ पर देखो क्या होता है कि कुछ मार्केट्स ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि हमें लोअर क्वालिटी की स्टील चाहिए, ठीक है, लोअर क्वालिटी की स्टील, और मेजॉरिटी मार्केट ऐसी होगी क्योंकि चीप स्टील मिल जाएगा, चीप मिल जाएगा, थोड़े कम प्राइस में मिल जाएगा। बट ब्रिटिश क्या कह रही थी इनको कि भैया हायर क्वालिटी की बनाओ। अब स्टील इंडस्ट्री वाले जो हैं वो, जो टाटास थे वो क्या कर रहे थे, वो लोअर क्वालिटी स्टील बना रहे थे क्योंकि एक बड़ी मार्केट को वो केटर करता है, एक वाइडर मार्केट को वो सर्व कर देता। बट हुआ क्या, ये ब्रिटिशर्स की अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, डिमांड की वजह से कि हमें तो हायर क्वालिटी की स्टील बना करके दो, तो टाटाज जो थे वो लोअर क्वालिटी की स्टील भी उसी टाइम पर नहीं बना पाए, जिसकी वजह से जो ये बड़ा मार्केट था लोअर क्वालिटी स्टील वाला, इसको ये लोग सर्व नहीं कर पाए थे। इसी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, काफ़ी ज़्यादा उनकी ग्रोथ जो है वो हैम्पर हो गई थी, तो ये सब देखा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि इंडियन ट्रेडर्स थे, मनी लेंडर्स थे, बैंकर्स थे, उन्होंने काफ़ी वेल्थ जो है अपने जो जूनियर पार्टनर्स थे इंग्लिश मर्चेंट कैपिटलिस्ट को उन्होंने दे दी थी, ठीक है। तो
अब यहाँ पर एक राइज ऑफ बुर्जुआ क्लास भी आई। कैसे आई थी ये? बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट्स बनते थे यहाँ पर, जो इंडियन मनी लेंडर थे, मनी लेंडर का मैंने आपको बता ही दिया कि कितना ज़्यादा पेजेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। अब मनी लेंडर्स ने लोन प्रोवाइड कर दिए थे जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, जो भी बहुत प्रॉब्लम में थे एग्रीकल्चरलिस्ट, उनको इंडियन मनी लेंडर्स ने लोन प्रोवाइड कर दिया, जिसकी वजह से स्टेट का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा खासा हो गया था। अब इंडियन ट्रेडर जो था उसने क्या किया, उसने जो इम्पोर्टेड ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे वो इंडिया की अलग अलग जगह पर जाके बेचने शुरू कर दिए, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे वो भी एक्सपोर्ट्स के लिए उन्होंने हेल्प किया एक्सपोर्ट करने में। अब जो इंडिजीनियस बैंकर्स थे उन्होंने दोनों को ही हेल्प किया, किसके लिए, के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी और कलेक्शन के लिए भी, पर जो हमारी कॉलोनियल सिचुएशन थी उसने इंडस्ट्रियल बुर्जुआ को और ज़्यादा एक हेल्दी और इंडिपेंडेंट बुर्जुआ क्लास जो है वो निकल करके आए, उसकी डेवलपमेंट को काफ़ी कॉलोनियल सिचुएशन ने काफ़ी रिटार्डेड कर दिया था, ठीक है, और उसकी डेवलपमेंट जो है जो आपकी जर्मनी और जापान जैसी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी उससे काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। होता क्या है, नई इंडस्ट्रीज जो है इंडिया के द्वारा निकल करके आती हैं। सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में मॉडर्न मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज जो थी वो इंडिया में आ जाती हैं। पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है वो सेटअप होती है 1853 में बॉम्बे में बाय कोवर्जी नाना भॉय, ठीक है, तो इनके द्वारा ये कॉटन इंडस्ट्री बॉम्बे में सेटअप की जाती है। अब ये पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल होती है, उसके बाद पहली जूट मिल आती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये होती है आपकी पहली कॉटन इंडस्ट्री, ये है आपकी पहली जूट मिल 1855 में रिश्ता बंगाल में आती है। फिर 1913 में पहला स्टील प्लांट आता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, ज़्यादातर जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो ज़्यादातर फॉरेन ओन्ड होती है और ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसीज होती हैं उनके द्वारा कंट्रोल की जाती थी, तो तब भी ये सारी जो है इंडिया के द्वारा लगाई जाती हैं, इंडिया में लगाई जाती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, फॉरेन कैपिटल का इंडिया में एक रश था, ठीक है, इस टाइम पर, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स देखे जा रहे थे इन सब चीज़ों की वजह से, चीप लेबर अवेलेबल था एंड जितने भी रॉ मटेरियल्स थे काफ़ी चीप और मतलब आसानी से अवेलेबल हो रहे थे रॉ मटेरियल्स भी, एक रेडी मार्केट था इंडिया में और नेबर्स में, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा कम होने लगे थे और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सारा हेल्प प्रोवाइड करने लगी थी, रेडी मार्केट्स अब्रॉड में मिलने लगी थी, इंडिया के एक्सपोर्ट की बड़ी डिमांड आ गई थी, जैसे कि आपका टी है या जूट है, ठीक है, एंड इवन मैंगनीज है, ऐसे प्रोडक्ट्स की काफ़ी डिमांड आ गई थी। तो इंडिया के द्वारा जो ओन्ड इंडस्ट्रीज थी वो कॉटन टेक्सटाइल्स में आ गई, जूट में आ गई थी 19th सेंचुरी में, इवन शुगर हो गया आपका, शुगर, सीमेंट, ये सारी भी 20th सेंचुरी में काफ़ी राइज कर गई थी, ये इंडस्ट्रीज़ भी आने लग गई थी। तो इंडियन ओन इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारे हैंडीकैप से भी सफ़र करती थी, साथ ही साथ जैसे क्रेडिट प्रॉब्लम्स काफ़ी देखी गई थी, कोई टैरिफ प्रोटेक्शन नहीं थी गवर्नमेंट के द्वारा, फिर अनइक्वल कंपटीशन भी था फॉरेन कंपनीज से, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो अपने हित का सोच रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, और साथ में ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन भी देखा जा रहा था, ठीक है। अब क्या था, कॉलोनियल फैक्टर ये जितने भी थे उसने स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लेकर आया, कैसे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो थी वो एक लॉपसाइडेड पैटर्न से कैरेक्टराइज थी, लॉपसाइडेड पैटर्न से ये कैरेक्टराइज थी, बेसिकली क्या था कि कोर और हैवी इंडस्ट्रीज और पावर जनरेशन जो है उनको तो निग्लेक्ट कर दिया गया था और कुछ रीजन्स ऐसे थे जिनको ज़्यादा फेवर किया जाता था एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन्स, क्यों, क्योंकि जिसकी वजह से क्या हो गया था कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी देखी गई थी, रीजनल डिस्पैरिटीज़ देखी गई थी, और ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ होती है इसकी वजह से जो आपका नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाता है, ठीक है, ये नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस हैम्पर हो जाता है, और जब तक आपका टेक्निकल एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निकल मैन पावर से लैक ही रहेगी, टेक्निकल मैन पावर इंडस्ट्री के पास नहीं आया था। तो सोशली भी देखा जाए तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास जो थी उसका राइज देखा गया था और वर्किंग क्लास का राइज देखा गया था, और ये जो राइज था इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास का राइज,
और जो आपकी वर्किंग क्लास का राइज था, ये जो है वो इम्पॉर्टेंट फीचर बनाते हैं इस फेज़ के. सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस फेज़. ठीक है, अब है इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी. इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी समझ लेते हैं हम. अब ये जो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी है, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रपोज की गई थी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. उनकी बुक जो थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन की है. देन और प्रोपोनेंट्स कौन हैं इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी के, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पृथ्वेश्वरनंद रॉय, देन जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, देन रोमेश चंद्र दत्त जिनकी बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इनशॉ वाचा, देन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इनकी बुक है अ नेशन इन मेकिंग, देन जी वी जोशी जिनका एक्सपेंडिचर जो है ऑन रेलवेज उनका शुड बी सीन एज इंडियन सब्सिडी टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़. अब ये जो कंसेप्ट है इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी का, वो अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है. और सिमिलरली बाल गंगाधर तिलक ने भी ये नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन लिया था इन अमेरिकन रेवोल्यूशन से. अब ये जो ड्रेन थ्योरी है दादा भाई नौरोजी की, वो क्या है कि उनका दादा भाई नौरोजी का बेसिकली इकोनॉमिक्स का जो वर्क है काफ़ी रिकोगनाइज था. उन्होंने ये प्रूव किया था कि ब्रिटेन जो है वो इंडिया से पैसा जो है वो ड्रेन कर रहा है अपने पास. ठीक है, कि ब्रिटेन जो है वो इंडिया से पैसा लेकर के जा रहा है अपने देश. ठीक है, तो उनकी बुक थी उसमें उन्होंने ये एस्टिमेट किया था कि अराउंड 200 से 300 मिलियन पाउंड जो है इंडिया का रेवेन्यू ब्रिटिश में ड्रेन हो चुका है. ब्रिटेन जो है वो इंडिया का रेवेन्यू लेकर जा चुका है. कितना? 200 से 300 मिलियन पाउंड, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट. तो और ये ऐसा पैसा था जिसको वापस इंडिया में दोबारा से सर्कुलेट नहीं किया गया. तो ये पैसा जाके ब्रिटेन में ही सर्कुलेट हो रहा था, ये वापस इंडिया में आया ही नहीं. तो ये है ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि सीधा पैसा जो है वो डायरेक्ट इंडिया से ब्रिटेन में चला गया. ठीक है, तो मनी जो है वो इंडिया से ड्रेन हो गया था और वापस से इन्वेस्ट कर दिया गया था, जिसका कास्केडिंग इफेक्ट देखा गया था. तो अब उन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने छः फैक्टर्स ऐसे डिस्क्राइब किए थे जिसका उन्होंने प्रूफ दिया था कि इन छः फैक्टर्स को की वजह से मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि एक्सटर्नल ड्रेन हो रहा है, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है. कौन से छः फैक्टर्स थे? सबसे पहला कि इंडिया जो है फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न थी. फिर इंडिया जो है वो इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट ही नहीं कर रही थी. जो कि इमिग्रेंट्स आते तो लेबर आता, कैपिटल आती, इकोनॉमिक ग्रोथ होती. तो इंडिया जो है इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था. फिर इंडिया जो है वो ब्रिटेन के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी थे उनके लिए भी पे कर रहा था इंडिया में. ठीक है, और जो ब्रिटेन के जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में उनके लिए भी पे कर रहा था, और इंडियन आर्मी, उनकी ही जो इंडियन आर्मी थी उनके लिए भी इंडिया पे कर रहा था. तो होम चार्जेस बेसिकली थे. फिर इंडिया जो है वो उसके ऊपर ही सारा बर्डन आ गया था एम्पायर बिल्डिंग का, कि ब्रिटेन जो है वो अपना एम्पायर जो अलग अलग जगह पर वो और ज़्यादा कॉलोनीज अलग अलग जगह को बनाना चाह रही थी, तो ये जो अपना एम्पायर बिल्ड करना चाह रही थी ब्रिटेन, उसका भी बर्डन इंडिया पर ही आ गया था. क्योंकि वो एम्पायर बिल्डिंग जो हो रहा था बॉर्डर में भी और बॉर्डर के बाहर भी, मतलब कि अलग अलग स्टेट को चाहे कैप्चर करना हो चाहे स्टेट के बाहर एरियाज़ को कैप्चर करना हो, उसका बर्डन भी इंडिया पर ही आ गया था. फिर फ्री ट्रेड ओपन हो गया था फॉरेनर्स के लिए. जो फॉरेनर्स बेसिकली क्या थे कि जिनका बहुत ज़्यादा, फॉरेनर्स को बहुत ज़्यादा पे किया जाता था, और जो इक्वली क्वालिफाइड इंडियंस थे, मतलब कि सेम ही क्वालिफिकेशन है दोनों की, बट फॉरेनर को प्रेफर कर दिया जाता था और उसको पे भी बहुत ज़्यादा किया जाता था. ठीक है, तो इसकी वजह से फ्री ट्रेड बेसिकली ओपन किया गया था फॉरेनर्स के लिए और इंडियंस को कम प्रेफर किया जाता था. फिर जो सबसे ज़्यादा अच्छा अर्न करने वाले लोग थे वो अपना पैसा जो है वो इंडिया के बाहर ही ले जाते थे, तो इंडिया में नहीं लगा रहे थे वो अपना पैसा. तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये प्रूव हुआ था कि ये ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है इंडिया से ब्रिटेन में, तो सारा पैसा जा रहा है वहाँ पर. ऑल राइट, तो इस लेक्चर में हमने यहीं तक डिस्कस किया है. ये पूरा टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है. और बाकी 2020-50-50 सीरीज़ को परचेज करने के लिए आप synopsisis.in की वेबसाइट पर जा सकते हैं. दिस इज़ आर फोन नंबर. अगर आपको कोर्स परचेज़ करना है यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर.